बेमौसम की बारिश से घर घर बीमार। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में बीमारियों की भरमार। गर्मी के तेवरों के बीच कई जिलों में बारिश से असर देखा जा रहा है। कमोबेश शहर से गांव तक हर घर में बीमारियों के मरीज देखे जा रहे हैं। सर्दी खांसी जुकाम के साथ साथ एक्टिव मोड में कोविड संक्रमण है। मौसम में बीमारियों की चपेट में सर्वाधिक मौसम मासूम बुजुर्ग इन पर असर आ रहा है। ऐसे हालात में चिकित्सक बेमौसम की बारिश से बचने की सलाह दे रहे हैं। जो मौसम बना हुआ है उससे सबसे ज्यादा बच्चे चपेट में आते हैं, बुजुर्ग चपेट में आते हैं और इसीलिए चिकित्सक लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि अगर इस तरह का मौसम हो तो बाहर मत निकलिए, कोशिश कीजिए अवॉइड किया जाए ऐसे मौसम में बाहर निकलना। साथ ही साथ कूलर एसी इनको भी थोड़ा अवॉइड करें। ठंडा गर्म की वजह से मौसम की वजह से बीमारियां जल्द से जल्द जद में ले लेती हैं। विकास शर्मा सहयोगी जयपुर से जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है? बेमौसम बारिश से लगातार बीमारी का घर बनता जा रहा है हर घर। जरा अगर आंकड़े हो तो वो भी बताएं, कितने मरीज लगातार हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं, कितनी तादाद बढ़ी है? बिल्कुल, इस वक्त जयपुर समेत कई जिलों के अंदर बेमौसम की बरसात, और ये बरसात भी इस तरह की है कि दिन में कुछ देर के लिए धूप पड़ती है, तेज गर्मी होती है और उसके बाद में बरसात हो जाती है। इस तरह की जो स्थितियां हैं इसके अंदर घर घर बीमारियां जो है दस्तक दे रही है। सर्दी जुकाम खांसी के बीमार के जो मरीज है वो एकाएक अधिकांश जगहों पर बढ़े हैं। इसके अलावा जो ये ट्रेंड है बेमौसम की बरसात का और साथ में सर्दी गर्मी का जो मिक्सअप हो रहा है उसका जो सीधा असर जो है कोविड पर भी देखने को मिल रहा है। कोविड के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर अस्पतालों की बात करें तो ओपीडी से लेकर आईपीडी में हर जगह मरीज जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना भी यही है कि जो बेमौसम की बरसात है साथ में मौसम के अंदर जो चेंज आ रहा है, कह सकते हैं स्थायी मौसम जो है वो नहीं है, उसके चलते मौसमी बीमारियां जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में चिकित्सक की भी सलाह यही है कि जो बेमौसम की बरसात है उस बरसात से बचें और जहां तक कोशिश हो वहां तक एक मौसम का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में रहने की कोशिश करें। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।